प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना अंतर्गत जिले के उपचाररत टीबी मरीजों को सामाजिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला क्षय केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में 10 नए निक्षय मित्र बनाए गए। जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रघुवंशी की अगुवाई में निरंतर योजना से लोग जुड़ते जा रहे हैं, समाज सेवी जोड़ रहे हैं और टीबी मरीजों को पूर्णतः स्वस्थ करने के लिए उन्हें पोषण आहार उपलब्ध करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूर्ण तत्परता के साथ निक्षय मित्रों का स्वागत करते हुए उन्हें इस योजना से जोड़ रहा है। इसी क्रम में 9 नवंबर 2022 को टीबी केंद्र जिला चिकित्सालय परिसर गुना में फिर एक बार कई समाज सेवियों ने निक्षय मित्र के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया और मरीजों को पोषण आहार प्रदान किया एवं आगामी 6 माह तक पोषण आहार प्रदान करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन सेवा भारती अध्यक्ष डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष ज्योति निगम उपस्थित रही। श्रीमती निगम ने भी निक्षय मित्र के रूप में एक टीबी मरीज को गोद लिया। रघुवंशी समाज के जिलाध्यक्ष घनश्याम रघुवंशी ने भी पहल करते हुए निक्षय मित्र के रूप में शपथ ली। साथ ही डॉक्टर जुल्फिकार खान इंदौर डेंटल क्लिनिक ने 2 टीबी मरीजों को गोद लेकर 6 माह तक उन्हें फूड पैकेट प्रदान करने का संकल्प लिया। नीरज निगम, मोहन बारेला, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अंकित उपाध्याय, प्रदीप कुमार, प्रियंक लोधा, संदीप दीक्षित, पत्रकार श्री अजीत गोयल, डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने एक एक मरीजों के निक्षय मित्र के रूप में पोषण सहायता प्रदान की। कार्यक्रम में टीवी सेंटर के लैब पर्यवेक्षक गणेश ओझा एवं उपचार पर्यवेक्षक राकेश शर्मा ने उपस्थित समस्त अतिथियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। जिला टीबी एचआईवी समन्वयक विपिन सक्सेना ने बताया कि सभी टीबी मरीजों की आयुष्मान भारत आईडी प्राथमिकता से बनाई जा रही है, इसलिए आज कार्यक्रम में आए समस्त मरीजों की आयुष्मान भारत आईडी भी बनवाई गई है। जिला कार्यक्रम समन्वयक विशाल शर्मा द्वारा सभी निक्षय मित्रों का आभार व्यक्त किया गया। गुना से गजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।